करने पड़ जाए तब मोदी जी हम तैयार हैं। अगर 7 साल 20 स्तूल बंद करना पड़े तो ये बलिदान हम देंगे। देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। इन्हीं के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। एक चीज जिस पर मैं खास तौर पर बात करना चाहता हूं और वो है ह्यूमर, आपस में हंसी मजाक, अपने भीतर स्पिरिट ऑफ ह्यूमर को जरूर जिंदा रखिए। हमें इसे बचाकर रखना है, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को खोने नहीं देना है। प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी, वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा। बीच बीच में अब ये प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जो है टॉप पर पहुंच जाते हो, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। मेरा एक सवाल है, मैंने बहुत धैर्य से समृद्ध भाई साहब की बातें सुनी, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, समृद्ध जी भारत देश में कितने स्टेट्स हैं क्या आप जानते हैं? एक सवाल है, प्लीज बताइएगा कितने स्टेट्स हैं भारत में? हाँ हाँ 30 स्टेट हैं। मैं क्या, मैं ये सब जीके खेलने यहाँ नहीं आया हूँ, बताइए। थर्टी स्टेट्स हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेश में आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानक